राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पर लगी गांधी प्रतिमा के साथ की गई छेड़छाड़ का विरोध बढ़ने लगा है। रविवार को यूथ कांग्रेस ने प्रतिमा के साथ की गई छेड़छाड़ व उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में मौन धरना देकर पुतला दहन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने इस मौके पर कहा कि जिस तरह से यह शासन चल रहा है वह साफ दर्शाता है कि गांधी जी की प्रतिमा का अपमान हुआ है और ये एक प्रतिमा का अपमान नहीं पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेसी जीवित हैं गांधीवादी सोच को खत्म नहीं करने देंगे और ना ही गॉडसे वाली जो सोच है उसे जीवित होने देंगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए युवा कांग्रेस ने आज मौन धरना दिया है और जो गॉडसे की विचारधारा वाले लोग हैं जो गांधीवादी सोच को खत्म करना चाहते हैं उनके खिलाफ ये विरोध जारी रहेगा। विक्रांत भूरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपना इस्तीफा देकर माफी नहीं मांगते वह जहां भी जाएंगे यूथ कांग्रेस उन्हें काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराएगी। आज हमने जिन लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करी और जिस तरह का जो वक्तव्य मोहन यादव ने दिया है उसके विरोध में आज हमने पुतला दहन करा है और हमने ये उनको चेताया है कि जब तक कि मोहन यादव का इस्तीफा नहीं हो जाता वो माफ़ी नहीं मांगता तब तक मोहन यादव जहां भी जाएगा यूथ कांग्रेस को काले झंडे दिखाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले को अब कितनी सियासी हवा दी जाती है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।